हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है 11th क्लास बायोलॉजी से, जिसमें कि हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो हमारा चैप्टर 7 है, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू तक हमारा जो पार्ट था वो कम्प्लीट किया था। नेक्स्ट हम इस टॉपिक में जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, और जो भी कोई हमारा कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको लेकर एनसीईआरटी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए फुल सेशन को एंजॉय करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हमने बात खत्म की थी बोन्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो उसमें नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ये है कि बोन एंड ब्लड, ये जो दो हैं ये वेरियस टाइप के स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो यहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे, एक तो है बोन और एक है ब्लड। तो बोन और ब्लड क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि दो या दो से अधिक टिश्यूज, ऑर्गन्स और सेल्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कार्टिलेज। तो इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल। आपको ये डिफरेंस जरूर याद रखना है कि जो कार्टिलेज होती हैं उनका जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और प्लायबल होता है। प्लायबल का मतलब जिसको कि हम मोड़ सकते हैं, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, दबाव या कंप्रेशन को वो रेजिस्ट करेगा। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू लाइक कॉन्ड्रोसाइट्स, यहाँ से कॉम्पिटिशन का जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वो बनता है कि जो कार्टिलेज होती हैं उनकी सेल्स क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो कि छोटी छोटी स्मॉल कैविटीज़ में एनक्लोज रहती हैं, और कैविटीज़ के अंदर इन्हीं के द्वारा जो मैट्रिक्स है वो सिक्रेट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय बोन इन अडल्ट। एम्ब्रियो की जो कार्टिलेज होती है वर्टिब्रेट्स में, वो मैक्सिमम तौर पर एडल्ट्स में किस में कन्वर्ट की जाती है? बोन्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। और अगर हम कार्टिलेज की सिचुएशन देखें कि बॉडी में कार्टिलेज कहाँ कहाँ है, तो वो है टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर जॉइंट्स में, और जो कि बोन्स हैं वर्टिब्रल कॉलमन में उनके बीच बीच में भी है, लिम्ब्स यानी कि हाथ पैरों में भी है, और ये सिर्फ है कि इसमें एडल्ट्स में है। तो ये इस तरीके से था कार्टिलेज। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉलेजन फाइबर्स आप इसमें बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जो कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ये हमने बात भी की थी कि जो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है कोलेजन। और नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम देखें कार्टिलेज सेल्स इसमें शो की गई हैं, जिसको कि हमने बोला कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये रिलेटेड है कार्टिलेज से। कार्टिलेज के लिए आपको याद रखना है कि दिस इज द सॉलिड एंड प्लायबल, ये बहुत सॉलिड होती है और प्लायबल होती है। नेक्स्ट हम आते हैं बोन्स के ऊपर। तो बोन्स में आप क्या देख रहे हैं? बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। यहीं से आपको कार्टिलेज और बोन में क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है। आपको क्या देखना है कि जो बोन्स होती हैं वो बहुत हार्ड और नॉन प्लायबल हैं इन कंपेयर टू कार्टिलेज, जबकि कार्टिलेज कैसी हैं? सॉलिड और प्लायबल हैं। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कोलाजन फाइबर पाया जाता है, जो कि बोन को अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देंगे, फ्रेम देंगे। बोन जो है वो मैक्सिमम तौर पर हमारे बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे ऑर्गन्स को। जो बोन सेल्स होती हैं उनका नाम आपको याद रखना है ऑस्टियोसाइट्स, जबकि कार्टिलेज की सेल क्या कहला रही थी? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो की स्पेसेस में प्रेजेंट होती है, और उन स्पेसेस को हम कहते हैं लैक्यूनी। यहाँ पर आपको डायग्राम में ये स्पेसेस ईजिली दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं लैक्यूनी। लिम्ब बोन सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ लैग सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। अब हमारी बात कर दी जाती है कि सबसे बड़ी बोन या सबसे लंबी बोन कौन सी है हमारी बॉडी में? तो वो है फीमर, FEMUR, जिसको कि हम नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स पढ़ेंगे 20 चैप्टर जो हम देखेंगे उसमें इसका नाम देखेंगे। तो जो फीमर बोन होती है ये थाई बोन होती है, थाई में प्रेजेंट होती है, और ये हमारी पूरी बॉडी के वेट को बियर करती हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। ये जो बोन्स हैं स्केलेटल मसल्स के साथ में भी जुड़ती हैं, और आपको पता है कि बोन्स जब मसल्स के साथ में जुड़ती हैं तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? टेंडन, TENDON। तो टेंडन की सहायता से कोई भी बोन किसी भी कार्टिलेज से जुड़ जाती हैं और मूवमेंट को पॉसिबल बनाती हैं। द बोन मेरो इन सम बोन्स इन द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। और जो बोन में पाए जाने वाला बोन मैरो है उनके अंदर मैक्सिमम तौर पर RBC WBC का फॉर्मेशन होता है। तो ये ब्लड फॉर्मेशन का भी एक साइट है। ब्लड फॉर्मेशन को हम बोलेंगे हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस जो है वो होता है बोन मैरो में। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।
जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यहीं से आपको याद रखना है कि ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, कंटेनिंग प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल RBC हैं, वाइट ब्लड सेल WBC हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? ब्लड। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 और 18। हम इसको कहाँ पर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 17 और 18 में इसका डिटेल देखने वाले हैं। ये RBC बाइकॉनकेव शेप की हैं, प्लेटलेट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिनको कहते हैं, और WBC एमोबॉइड शेप की हैं। तो ये जो है इसमें हमने कनेक्टिव टिशू, कार्टिलेज, ब्लड और बोन के बारे में बात की। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मस्कुलर टिशू। तो मस्कुलर टिशूज जो हैं वो क्या होते हैं कि ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन पैरेलल अरे। अरे का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लंबी लंबी सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो हैं वो पैरेलल अरेंज होते हैं, और ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत छोटे छोटे फाइब्रिल्स से मिलकर बनते हैं, और उन फाइब्रिल्स को हम नाम देते हैं मायोफाइब्रिल्स। यानी मसल्स के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको हम कहेंगे मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, देन रिलैक्स, लेंथन एंड रिटर्न देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। अब आपको पता है कि मसल क्या काम करती है? मसल मूवमेंट करती है, और मसल जो मूवमेंट करती है वो करती है कॉन्ट्रैक्ट और हम ये कह सकते हैं कि रिलैक्स होकर। साइमल्टेनियसली एक मसल टिश्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कभी वो रिलैक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक मसल सेल बना दी हमने, तो कभी तो ये मसल सेल क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका शेप छोटा होगा, और कभी ये जो सेल्स हैं वो वापस से क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी, इस तरीके से इनका शेप बढ़ जाएगा। तो किसी भी मसल सेल्स के अंदर दो प्रकार के फंक्शन होते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके कारण कोऑर्डिनेटेड फैशन में उनके अंदर बॉडी का मूवमेंट होता रहता है। देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंज द एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन्हीं मसल्स के कारण हम अपने पोजिशन को बनाए रख पाते हैं। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं? मसल्स के कारण ही होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मसल जो है वो थ्री टाइप की होती हैं। पहला है स्केलेटल, दूसरा है स्मूथ, और थर्ड है टाइप कार्डियक। तो आपको ये याद रखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स देयर आर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर वन स्केलेटल मसल्स, आफ्टर दैट स्मूथ मसल्स, एंड आफ्टर दैट कार्डियक मसल्स। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। तो दीज मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। अगर हम देखें तो मूवमेंट के लिए जो है स्केलेटल मसल्स जिम्मेदार होंगी, बिकॉज ये जो है स्केलेटल बोन से जुड़ी हुई हैं। इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। अगर हम बाइसेप्स की बात करें, बाइसेप्स कहाँ पर होती हैं? बाह जो होती है, हमारी बाजू जो होती है उसको हम बाइसेप्स कहते हैं। उनके अंदर स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास में कॉम्पैक्ट बंडल बनाती हैं पैरेलल फॉर्म के अंदर। ए शीट ऑफ टफ कवरिंग टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो क्या होता है कि इन मसल फाइबर्स को जोड़कर एक बंडल बनाकर एक उनके ऊपर बहुत ज्यादा टफ कोटिंग का शीट उनके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तौर पर चैप्टर 20 में स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं डायग्राम्स के बेसिस पे कि कौन से स्मूथ डायग्राम है और कौन से स्मूथ मसल्स हैं, कौन से स्केलेटल हैं। तो देखिए जो फर्स्ट आपको डायग्राम दिखा रखा है स्केलेटल और स्ट्रेटेड मसल का, तो वो डायग्राम ये है। इसमें आपको इजीली दिख रहा होगा कि इसके अंदर स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन का मतलब होता है धारियां, रेज। तो ये धारियां हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो मतलब स्ट्रेशन है ये इसमें पाई जा रही है, और धारियां पाई जाने के कारण इसको हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। इसका जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। सेकंड जो डायग्राम है इसमें कोई भी स्ट्रेशन आपको नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल स्मूथ है, यूनिन्यूक्लिएट है, तो ये कहलाएंगे स्मूथ मसल। इनको हम वॉलंटरी मसल इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि इनके जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर ब्रेन का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता। थर्ड जो है कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं टोटली और टोटली हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, इनमें भी स्ट्रेशन इन धारियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ इनके जंक्शंस भी मिलते हैं जिनमें की सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये थ्री टाइप के मसल्स हैं, नंबर वन स्केलेटल, नंबर टू स्मूथ, नंबर थर्ड कार्डियक। नेक्स्ट उसके बाद में अब हम स्मूथ मसल्स पे आते हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में हमने देखा कि स्मूथ मसल फाइबर टॉपर टैपर एट बोथ एंड। टैपर का मतलब क्या होता है? टैपर का मतलब होता है
सिकुड़े हुए पतले, तो देखिए ये यहाँ पर भी सिकुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी सिकुड़ा हुआ है, तो मतलब ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये अपने एंड्स के ऊपर कैसी होती हैं, टैप होती हैं, और ऐसा शेप क्या कहलाता है, फ्यूजीफॉर्म, जिसमें कि दोनों एंड तो पतले हों और बीच का सिरा कैसा हो, मोटा हो, वो फॉर्म, वो शेप क्या कहलाता है, फ्यूजीफॉर्म कहलाता है। एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशन, इनमें कोई धारियां नहीं होती। सेल्स जंक्शन होल्ड दैम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ये एक साथ में मिलकर बंडल बनाती हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, अगर हम इनकी बात करें कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती हैं, तो ये हमारी ब्लड वेसल, मीन ब्लड वेसल हमारे में तीन होती हैं, आर्टरी, वीन और कैपेलरी, स्टोमक और उसके अलावा इंटेस्टाइन में भी पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी, इनका नेचर जो है वो इनवॉल्यूंटरी है, बिकॉज देयर फंक्शन कांट डायरेक्टली कंट्रोल थ्रू द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इनके फंक्शंस को कंट्रोल नहीं करता। फ्यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट नियरली बाई थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल, जैसे हम स्केलेटल मसल्स को सोच कर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, वैसे हम स्मूथ मसल्स को मात्र सोचने से, थिंक करने से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। थर्ड टाइप के हम ऊपर आते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप है वो है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हैं और ये प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। इनके बीच में सेल जंक्शंस पाए जाते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फ्यूज करवा देते हैं और उनको मिलाकर थिक बना देते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस भी हैं इनके बीच में, जिनको हम इंटरकैलेटेड डिस्क भी कहते हैं। और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूज होने के लिए इनको मैसेज पास करती हैं। जैसे ही एक सेल एक सिग्नल को रिसीव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो इनकी नेबर सेल्स भी इन जंक्शंस के थ्रू मैसेज लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं न्यूरल टिश्यूज को। तो न्यूरल टिश्यू जो है उसका क्या काम है, न्यूरल टिश्यू हमारा एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, सारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कमांड का काम न्यूरल टिश्यू करता है। रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, हमारी बॉडी की कंडीशंस को चेंज करता है। उसका जो पार्ट है, उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है न्यूरॉन। और ये जो है एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, किसी भी स्टिमुलस को देकर बाहर से चेंज करके आप इनको एक्साइट कर सकते हैं। द न्यूरोग्लायल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू प्रोटेक्ट द सपोर्ट न्यूरॉन्स। अब हम कहें कि व्हाट इज द न्यूरल सिस्टम, अगर हम बात कहें कि व्हाट इज द न्यूरल सिस्टम, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो न्यूरल टिश्यू के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला जो कॉम्पोनेंट है वो है न्यूरॉन और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो न्यूरॉन्स के साथ मिलकर न्यूरल टिश्यूज बनाती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे पास में है प्रेजेंट न्यूरल टिश्यू में मैक्सिमम पार्ट किसका हो गया, न्यूरॉन्स का, और बचा हुआ पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, न्यूरोग्लियल सेल्स कहलाती हैं। और ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, ये जो है लगभग वन हाफ पोर्शन बनाती हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, अगर हम न्यूरॉन को अच्छी तरह से स्टिमुलेट करें, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस करें उसके अंदर, तो ये क्या होगा, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रैवल करेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम भी शो हो रहा है न्यूरल टिश्यू का, न्यूरॉन दिखा रखे हैं, न्यूरोग्लाया दिखा रखे हैं आपको, ये पूरा जो पोर्शन है ये न्यूरोग्लाया है। उसके बाद में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स हैं। उसके अलावा ये बीच में आपको क्या दिख रहा है, और सेल बॉडी, ये वाली तो है सेल बॉडी और इसके बीच में है न्यूक्लियस, और ये लॉन्ग जो थ्रेड है वो है एक्सॉन। तो ये डायग्राम आपने बार बार भी देख रखा है और 10th क्लास में आपने 7th चैप्टर में इसके बारे में डिटेल स्टडी की है। तो यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है उसके चारों तरफ न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करती हैं, इनको सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम देखें अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक हमने स्टिमुलेशन दिया था, वो स्टिमुलेशन जो है, डिस्टरबेंस जो है, ट्रैवल करता करता न्यूरॉन की एंडिंग पर पहुंचता है और वहां पर जाकर सिनेप्स में होता हुआ दूसरी सेल्स को ट्रिगर करता है, ताकि वहां पर भी स्टिमुलेशन या इनहिबिशन जो हो सके वो हो, और अदर सेल्स को भी इसी तरीके से वो कंट्रोल करता है, जिसकी मैकेनिज्म हम चैप्टर 21 में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है
ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द बेसिक टिश्यू मेंशन अबाउट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन. हमने देखा चार टिश्यू पढ़ लिए एनिमल में. पहला हमने पढ़ा एपिथेलियल, सेकंड हमने देखा कनेक्टिव, थर्ड हमने देखा मस्कुलर और फोर्थ हमने देखा नर्वस. ये चारों के चारों टिश्यू आपस में मिलकर जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है उनके अंदर वेरियस टाइप के ऑर्गन्स को बनाते हैं. इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सच एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल फॉर मोर एफिशियंट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन. इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसके कारण जो है वो जो उनका एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशियंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है मिलियन ऑफ सेल्स मिलकर एक ही वर्क करती हैं. ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड और वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट, यहाँ से क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कीजिएगा. हमारे हार्ट में चारों प्रकार के टिश्यूज हैं. एपिथीलियम है, उसकी लेयर एपिथीलियम की बनी हुई है. कनेक्टिव मतलब उसमें ब्लड प्रेजेंट है इसलिए कनेक्टिव है. मस्कुलर, उसमें वेरियस टाइप के मसल्स हैं जिनको कि हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. और न्यूरल टिश्यू जो कि उसके कंट्रोल और कमांड करने की पावर बनाता है. तो इस तरीके से उसके अंदर चारों टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trend, like discernible trend is called evolutionary trend. You will study in detail in class 12. अब हम देखेंगे कि ये जो evolution है, evolution के अंदर भी tissue का बहुत ज़्यादा महत्व होता है. इन tissues के बेस पे हम evolutionary trend का पता लगा सकते हैं, जिसको कि हम discernible trend कहते हैं. What is the evolution? Evolution is a mechanism in which primitive species convert into advanced one, जिसमें primitive species बदलकर advanced बनती है, उसके characters change होते हैं, वो अपने environment के लिए adapt होती है. वो सारी process evolution कहलाती है, जिसको कि आप class 12 में detail study करेंगे. You are being introduced to morphology and anatomy of three organism at different evolutionary level. अब हम evolution को समझने के लिए अलग अलग जो phylum है उनके तीन जो है representative organisms की study करेंगे, ताकि हम उनके organization और functioning को देख सकें. Morphology refers to study of external visible features. अगर हम बाहर से दिखने वाले फीचर्स की स्टडी करें तो वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी. तो हम इसमें मॉर्फोलॉजी देखेंगे. नेक्स्ट उसके बाद में जो एनाटॉमी है वो कन्वेंशनली परंपरागत से उस मीनिंग के लिए काम में ली जाती है जिसमें कि हम क्या करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं. यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग. तो हम यहाँ अर्थवर्म मीन एनेलिडा, कॉकरोच मीन आर्थ्रोपोडा, फ्रॉग मीन जो है हमारा एम्फीबिया. इन तीनों जो मतलब फाइलम और क्लासेस हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जो कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हम स्टार्टिंग करते हैं अर्थवर्म के साथ. तो अर्थवर्म में अगर हम देखें, अर्थवर्म इज रेडिश ब्राउन कलर के बेसिस पे रेडिश ब्राउन है. टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहता है. दैट इनवर्टिब्रेट है बिकॉज इसकी जो मतलब नोटोपॉड है वो वर्टिब्रल कॉलोमन में कन्वर्ट नहीं होती. नोटोपॉड नोटोपॉड के फॉर्म में ही पाई जाती है. दैट इनहैबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल. मॉइस्ट सॉइल में ये पाया जाता है. ड्यूरिंग डे टाइम पे लाइव इन बरो, जो इसमें बिल बनाए हुए होते हैं उनमें ये दिन के समय रहता है. एंड स्वेलोइंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को निगल कर ये वो बिल बनाता है. इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस बाय देयर फीकल डिपॉजिट. इनके द्वारा निकले हुए एक्सक्रेटा डिपॉजिट या फीकल डिपॉजिट के बेस पे हम गार्डन के अंदर इनकी खोज कर सकते हैं. और इनका जो फीकल डिपॉजिट होता है उसको हम वर्म कास्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं. अगर हम कॉमन इंडियन अर्थवर्म की बात करें तो वो होंगे फेरेटिमा पोस्थुमा और लम्ब्रिकस फेरेटिमा लम्ब्रिकॉइडस. तो इस तरीके से ये नाम है कि एक तो है फेरेटिमा पोस्थुमा और एक है लम्ब्रिकस. तो ये हमारे इंडिया में पाई जाने वाली दो स्पीशीज हैं अर्थवर्म्स की. मॉर्फोलॉजी के बेस पे बात करें तो जो मॉर्फोलॉजी है, अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी. इनकी बॉडी बहुत सिलेंड्रिकल होती है. बॉडी डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट. 100 से ज़्यादा इनके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं विच आर सिमिलर, वो सेम होते हैं. मेटामियर्स अबाउट 100 टू 120 इन नंबर. हो सकता है कि इनके जो सेगमेंट हैं मेटामियर्स हैं ये 100 से 120 तक भी हो सकते हैं. इनकी जो डॉर्सल सरफेस है, अगर आपको उसको पहचानना है तो डॉर्सल सरफेस पे आपको क्या दिखेगी, एक काले कलर की लाइन दिखेगी ब्राउन कलर की, जिसको कि आपको मीडियन या मिड डॉर्सल लाइन कहना है, जो कि डॉर्सल ब्लड वेसल होती है. इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसकी डॉर्सल लाइन है या वेंट्रल लाइन है.
तो हमने देखा कि ये जो ए डायग्राम आपको दिखा रखा है ये बिल्कुल डॉर्सल व्यू है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच बीच में आपको डॉर्सल इस तरीके से यहाँ पे डॉर्सल ब्लड वेसल दिख जाएगी। तो इसके बेस पे हम इसके डॉर्सल फ्रंट का पता लगाएंगे, डॉर्सल व्यू का पता लगाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम डॉर्सल का पता लगाने के बाद क्या कर रहे हैं। द वेंट्रल सर्विस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग। अगर हमें जेनाइटल ओपनिंग्स दिख रही हैं, पोर्ट्स दिख रहे हैं, जो कि ये रहे फीमेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर, अगर हमें ये सब दिख जाए तो हम उसको कौन सा व्यू मानेंगे, वेंट्रल व्यू के नाम से जानेंगे। तो ये वेंट्रल व्यू है। नेक्स्ट उसके बाद एंटेरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ, आगे वाले हिस्से पे माउथ होगा जिसको कि हम प्रोस्टोमियम के नाम से जानेंगे। ए लोब विच सर्व एज द कवरिंग ऑफ द माउथ एंड अ वेज टू फोर्स एंड ओपन टू क्रैक एंड सॉइल। ये प्रोस्टोमियम क्या होता है, ये माउथ को कवर करके रखने के लिए होता है और ये क्या करता है, क्रैक में अंदर जाता है और सॉइल को बाहर निकाल के लाता है ताकि अर्थवॉर्म क्या कर सके, क्रॉल कर सके, रेंग सके। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। इस प्रोस्टोमियम का जो फंक्शन है वो सेंसरी है, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आके ये उसके सेंस को रिसीव करता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो होता है वो कहलाता है पेरिस्टोमियम, मतलब प्रोस्टोमियम के जस्ट बाद में जो पहला सेगमेंट स्टार्ट होगा उसको कहेंगे पेरिस्टोमियम। और पेरिस्टोमियम क्या कहलाता है, बक्कल सेगमेंट। जैसे हमारे ह्यूमंस में माउथ के बाद में बक्कल कैविटी आती है, वैसे ही अर्थवॉर्म्स में प्रोस्टोमियम के बाद में पेरिस्टोमियम पाया जाता है। विच कंटेन माउथ, इसके अंदर माउथ होगा। इन अ मच्योर वर्म सेगमेंट्स लाइक 14 to 16, मतलब 14, 15 और 16 जो हम बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर जो सेगमेंट्स होंगे 14, 15, 16 कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड, वो कवर रहेंगे डार्क बैंड से और उसको हम कहेंगे क्लाइटेलम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। ये देखिए क्लाइटेलम आपको शो की गई है कि अर्थवर्म के अंदर कौन से सेगमेंट क्लाइटेलम के तौर पे वर्क करते हैं, तो आपको याद रखना है 14, 15, 16 जिनके ऊपर ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। दस द बॉडी डिविजिबल इंटू 3 प्रोमिनेंट रीजन, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट। अब हम डायग्राम को देखते हैं। क्लाइटेलम के बेस पे ये बॉडी जो है वो 3 सेगमेंट्स पर डिवाइड होती है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये कहलाता है प्री क्लाइटेलर। प्री क्लाइटेलर का मतलब होता है क्लाइटेलम के पहले। ये जो दूसरा सेगमेंट हमने बनाया ये कहलाता है क्लाइटेलर, मतलब जिसमें क्लाइटेलम है। और जो ये थर्ड आप देख रहे हो इतना लंबा, ये पोर्शन कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलर। पोस्ट का मतलब क्लाइटेलम के जस्ट पीछे। फोर पेयर ऑफ स्पर्माथिकल अपर्चर आर सिचुएटेड। इसमें स्पर्माथिकल अपर्चर्स भी पाए जाते हैं जो कि वेंट्रोलेटरल कंडीशंस पर प्रेजेंट होते हैं। फोर पेयर होते हैं और ये कौन से सेगमेंट पे होंगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, मतलब ये 4 सेगमेंट हो गए। 5 to 6, 1, 6 to 7, 2, 7 to 8, 3, 8 to 9, 4। तो ये 4 इस तरीके से होंगे। आपको इजीली 5 से 9 ये याद रखना है कि स्पर्माथिकल अपर्चर्स जो होते हैं कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं और 4 पेयर की लोकेशन क्या है, 5 to 9 सेगमेंट। अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन मिड वेंट्रल लाइन। जो फीमेल जेनाइटल पोर है बीच में प्रेजेंट होगा 14 सेगमेंट में। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलेटरल साइड। मेल जेनाइटल पोर पेयर में होंगे, वेंट्रोलेटरल कंडीशंस में होंगे और 18th सेगमेंट में होंगे। न्यूमेरस माइन्यूट पोर कॉल्ड नेफ्रिडियो पोर, इनमें छोटे छोटे पोर होंगे जिनको हम नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। ये बॉडी ऑफ सरफेस पे ओपन होंगे और इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटेलम देर आर रोज ऑफ एस शेप सीटी। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, इसके अंदर मूवमेंट के लिए सीटी पाई जाती है, एस के शेप की होती है। बट ये कहाँ कहाँ नहीं होती, ये फर्स्ट पार्ट में नहीं होती, लास्ट में नहीं होती और क्लाइटेलम में नहीं होती। नेक्स्ट हमने देखा कि जो एनलिडा होता है उसमें एक्सक्रेशन के लिए जो है नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, तो नेफ्रिडियो पोर का फंक्शन होगा एक्सक्रेशन करना। सीटी कैन बी एक्सटेंडेड, ये सीटी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है, रिट्रैक्ट छोटी हो सकती है। और इनका जो प्रिंसिपल रोल है वो है लोकोमोशन में। अर्थवर्म का जो लोकोमोशन होगा, मूवमेंट होगा, वो सीटी के वजह से ही होगा। तो आज हमने इसकी मॉर्फोलॉजी तक की बात की है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म तक की बात की है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एनाटॉमी ऑफ द अर्थवर्म से स्टार्ट करेंगे
और फिर हम कॉकरोच और फ्रॉग्स को भी वन बाय वन देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके इससे इस चैप्टर से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।